This place was like a few old buildings. This place was completely vacant here. At that time, Shilgurudev told his dear son, Gopinath Prabhu, "I want to have this place," he said. "My Guru Maharaj, he so much liked this place. He wanted to have money here." So, Gurudev asked Gopinath Prabhu, "Can you help me?" Gopinath Prabhu replied, "Yes, I will obtain this place for you." Then, Srila Gurudev also expressed his desire that he would like to have a Pushpa Samadhi here of Padma Gurudev. This is a very special place. So Gopinath Prabhu, he has fulfilled Srila Gurudev's desire to make a beautiful mandir here. First, I remember that site was developed, constructed, then we purchased this land here, and then from the site came some other buildings, and then Gurudev wanted this whole area to be not a mandir,
purchase rooms to come here and perform bhajan. So how dear this place was actually good day. I remember now sitting here. And I want to thank especially Srimad Gopinath Prabhu and Kunga Vidya, giving for their services. We are fortunate that by their dedicated services we are ascending here and we are hearing beautiful Harikatha from the Lord's lips of our senior Vaishnavas. Difficult this year for all of us. We always used to sit here and hear from Sri Gurudev's lotus lips the beautiful glories of that. चैतन्य लीला अमृत सार सरल नारायण तुम
श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी के नाम है। नमस्ते सरस्वती देवं गौरवाणी विचारी निर्विशेष शून्यवादी पाशात शतानी भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवी गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। किसकी बात करे?
स्वर योशिका, स्वर मतलब वो स्वर की जो देवी देवताओं की बातें कर रहे हैं वो देवियां उनको भी नहीं मिला है, नहीं मिला। स्वर योशिका नरे गर्द ऊंचा, वो जिनके अंग से ही इतनी खुशबू निकल रही है और उनको देख के बड़े बड़े योगी मुनि और बड़े बड़े देवता भी पिघल जाते हैं, नहीं मिला उनको भी। क्या नहीं मिला? स्वयोषिता उम्र तो अन्य हो, किसकी बात करें? रास उत्सव निज भुज गर्भगृहित कंठा, ओ रास उत्सव की बात हो रही है यहाँ पे। निज भुज गर्भगृहित कंठा जी, ये किसको मिला? वो कहते हैं कि वो बात जो हम कर रहे हैं उस रास उत्सव की बात कर रहे हैं, नहीं मिला। ब्रह्मा जी की को छोड़ो, इन सब को छोड़ते हुए आप आ गए हैं कि वो रास उत्सव की बात जो हमने कही है नहीं मिली किसी को भी। रास उत्सव निज भुज दंड अपने ही स्वयं हाथों से उन्होंने गले मिले, इन सारी गोपियों से नहीं मिले और किसी के साथ। निज भुज दंड और धंधे की तरह उन्होंने अपने पानी को फैला के सब गोपियों के साथ वो रास किया, नहीं मिला, नहीं मिला बाप लक्ष्मी जी को भी। रास उत्सव निज भुज दंड के कंठा, कंठा मतलब गले से जिन्होंने रास किए उनके साथ। निज भुज दंड गृहित कंठा लब्धवा शीशा कुलगाल ब्रज सुंदरी ना, लब्धवा मतलब मिल गया, उन ब्रज सुंदरियों को मिला है जो लक्ष्मी जी को भी नहीं मिला। इस रास उत्सव की बात को कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी ने कई जगह इस बात को किया है। कहते हैं कि ये बात सुखदेव गोस्वामी जो श्रीमद भागवत में कर रहे हैं कि लक्ष्मी जी को ये बात उनको नहीं मिला और उनकी एक प्रेरणा हुई। अभी हमारे महाराज बता रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु जब गोपाल भट्ट गोस्वामी के घर में हैं, त्रिमूल भट्ट वेंकट भट्ट ये सब तीनों भाई परे हैं, तो मजाक में चैतन्य महाप्रभु ने पूछा है तुम लोग तो बहुत अच्छी सेवा लक्ष्मी नारायण की करते हो, एक बात बताओ कि आपकी लक्ष्मी जी तो प्रेरित होती है कि हम कृष्ण के साथ मिले और गोपियों के सामने जब नारायण आ भी जाती है तो हाथ जोड़ देती है, जैसे पैठा में। पैठा में क्या हुआ? पैठा में जब नारायण कृष्ण वही नारायण के रूप में स्कूल के बाहर खड़े हैं ऐसे ही, तो गोपियां तो आई हैं और गोपियों ने क्या किया है? गोपियों ने उनको नमस्कार करके कहा है कि हमारे कृष्ण का है। यहाँ पे गोपियों के सामने वो थोड़ा सा ऐश्वर्य लग पाए लेकिन गोपियां नारायण की सुंदरता कितनी है, और वो प्रणाम करके गोपियों ने कहा कि हमें हमारे कृष्ण से मिलवा दो। यहाँ पे आपकी जो लक्ष्मी है वो क्या कर रही है? प्रार्थना कर रही है कि हम किसी तरह से कृष्ण को मिले, और गोपियों के सामने नारायण आ जाते हैं तो हाथ जोड़ के कहती है हमारे कृष्ण को से हमें मिलवा दो। लेकिन एक बात यहाँ पे देखने वाली है कि जब राधा जी जो सबसे उत्तम गोपी जो सबसे गोपनीय रखती है, रक्षा करती है उस खजाने को, तो जब राधा जी कृष्ण के नारायण के सामने पैठा में आती तो क्या हुआ? नारायण भी अपना ऐश्वर्य नहीं रख पाते और उनके हाथ जो चार थे वो भी जो हो जाते वो स्वयं कृष्ण ही बन जाते हैं। कहने का मतलब है कि वो ही नारायण जो है सामने रूप नहीं पाएंगे, वो राधा जी के सामने वही दो भुजाओं के साथ अपनी वही बंसरी पकड़। समय तो कम है, अभी प्रभु जी मुझे इजाजत दे रहे हैं क्योंकि पिछली बार मैं थोड़ा लंबा सा बोल गया था। तो कहते हैं कि भाई देवी देवी प्रोक्ता माई राधिका अपार देवता सर्व लक्ष्मी माई सर्वकांति सम्मोहिनी पारा। गुरुदेव बोलते थे देवी प्रोक्तामाई, ओ सब देवियों की देवी, देवी प्रोक्तामाई कौन है? प्रोक्ता मतलब कौन है सब देवियों की देवी? देवी प्रोक्तामाई राधिका परा देवता, वही राधिका है परा देवता। सब लक्ष्मी माई ये जितनी भी लक्ष्मियां हैं जो भी ऐश्वर्य है सब लक्ष्मी माई, सब लक्ष्मी माई सब सम्मोहिनी परा सबको आकर्षित करने वाली है, ऐश्वर्य तो सबको आकर्षित करके प्रेम देती है। कौन है वो? वो राधिका है। वो क्या करती है? ओ कृष्ण ने गोपियों के बारे में क्या कहा है भगवत गीता में? तो कहा ये यथा मान प्रपंच भजामे हम,
कहते क्या कहते हैं, अरे भाई जो जिस तरह से मेरी पूजा करेगा उस तरह से मैं उसको दूंगा। ये यथावत प्रवचन थे, लेकिन इस बात को गलत कर दिया। गोपियों को कहा कृष्ण ने, ओ न पायो हम, मैं इस बात पे झूठा हो गया हूं, न पायो हम, मैं तुमने जो मेरे लिए किया मैं उसका पार नहीं पा सका। क्यों? क्योंकि मैं अपने नंद बाबा को नहीं छोड़ पाया, मैं यशोदा को नहीं छोड़ पाया और मैं अपने सखाओं को नहीं छोड़ पाया, लेकिन गोपियों तुमने मेरे सब कुछ छोड़ दिया, मैं इतना नहीं कर पाया, लेकिन तुमने मेरी बात को भी झूठा कर दिया। ये यथामात प्रपद्यन्ते, जो जितना मेरे शरणागत होता है उतनी शरणागति से मैं उसके पास आता हूँ, लेकिन गोपियों तुमने जितनी शरणागति मुझे दी उतनी मैं कर नहीं पाया। तो गीता को भी उन्होंने पीछे कर दिया, भगवान ने ये बोला कभी नहीं बोला, न पायो हम निर्बद्ध संयुक्त ज्ञान, और मैं बंद गया हूँ तुम्हारे संयुक्त ज्ञान। माँ भजनम, जो तुमने मेरा भजन किया, माँ भजनम दुर्गा जय श्रृंखला, ये जो 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 घर की जो श्रृंखल है, घर श्रृंखला जो ये बने होते हैं, तुमने उन सबको छोड़ दिया, ससुर सास इन सबको छोड़ दो है, तुम आगे बढ़ती रही और मैं नहीं कर पाया, मैं अपने सखाओं को अपने पिता को अपने माता को नहीं छोड़ पाया, जो गोपी तुमने किया। माँ भजनम दुर्गा जय श्रृंखला, ये दर्द की जो बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं हैं जिसको भी तोड़ के गोपियों तुम मेरे पास आ गई। माँ भजनम दुर्गा जय श्रृंखला आयुष्य की वृत्ति, जितना सुंदर कार्य तुमने किया विभुत विभुत ब्रह्मा जी की जगह आयु मुझे मिल जाए गोपियों, मैं तुम्हारा कभी ऋण नहीं चुका पाऊंगा। तो इस तरह से कृष्ण भी अपने ही सारे जितने भी उनके शास्त्र है वो झूठे पड़ गए। वो गोपियों की क्या प्रेम की बात करें, लक्ष्मी जी तो उस आचरण में ही रहती है जैसे हम बड़े बड़े हमारे पूजनीय सन्यासी वृंदों और भक्त वृंदों से सुन रहे हैं, अरे वो तो शास्त्र की बात है, ये तो शास्त्र से ऊपर उठ गई है, जहाँ पे भगवत गीता भी नहीं चल रही है, भागवत भी रुक गई है, वहां पे आके जहाँ पे पूजे हमें लेके आए हैं, हम सच में ही बड़े सौभाग्यशाली हैं। जहां भी हम किसी व्यक्ति से भी हम मिलते हैं, हम ये देखते हैं गुरुदेव ने हमें क्या कितना कुछ दे दिया। अभी एक व्यक्ति से हम मिले थे, 5 मिनट के अंदर वो हमारे चरण पड़ने लगा, हमें समझ नहीं, हमने उसको क्या बोला, हमें नहीं समझ आई हमने उसको क्या बोला। गुरुदेव कहते थे कि मेरी जो कीमत है तुम पहचानोगे मेरे जाने के बाद। ये गुरुदेव के शब्द है, अभी मुझे नहीं पहचान रहे हैं लोग, लेकिन जब मैं जाऊंगा तब मुझे पहचानेंगे। गुरुदेव ने मुझे कई बार बोला, वाचा कल पत्र कृपा सभी हो जाएगा।
তাহলে এখানে বিচার্য বিষয়ের যে রাধা রানী তিনি মনেও অন্য কারো কোন পুরুষের কথা চিনতে পারেন আলিঙ্গন তো দূরের কথা, কিন্তু এখানে তিনি আলিঙ্গন করতে যাচ্ছেন কেন? আর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন জগন্নাথ মন্দিরে যাচ্ছেন, তিনি যখন দর্শন করছেন বলদেব আর সুভদ্রা দেবীকে দর্শন করছেন, একমাত্র জগন্নাথকেই তিনি দর্শন করছেন। আর জগন্নাথকে দর্শন করে তিনি বলছেন, বিগ্রহ নবমী সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এমনি তো দ্বারকাধীশ কৃষ্ণ জগন্নাথ বলদেব, এখন বিচারটা হচ্ছে যখন এই জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা তিনজনকে দর্শন করবেন তখন কিন্তু দ্বারকাধীশ কৃষ্ণ, আর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন দর্শন করছেন তখন কিন্তু ওই ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্যামসুন্দরকে দর্শন করছেন। এই জন্যে তিনি ওখানে গিয়ে ওই জগন্নাথকে আলিঙ্গন করার জন্য মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করছেন, এতে কোন দোষনীয় নয়। রাধা রানী বলছেন যে আমি তো একমাত্র কৃষ্ণ বেঁধে রেখে অন্য কাউকেও আমি মনেও চিনতে পারি না। সুতরাং এখানে রাধা রানী অনেকে প্রশ্ন করেন, ওই আমরা ওই রকমভাবে কৃষ্ণ তোমার এই অভিমান সব ছেড়ে দাও, দিয়ে গোপীকে জন্মগ্রহণ করো, আনুগত্য করে তারপরে তুমি আমার এই রাগলীলায় অধিকার পাবে। কিন্তু ওখানে আবার মহারাজ ওখানে বলছে, আমার গোবর্ধনের মধ্যে প্রশ্ন করেছিলেন যে জাতি পিতৃপত্নীগণ কৃষ্ণের কৃপা ওদেরকে করেছেন কি, কৃষ্ণ কৃপা করেছেন বলে, কিন্তু ওদেরকে ফিরে দিলেন যে তোমরা যাও, কারণ এই তোমরা এখন আমি এই জগতে ধর্ম সংস্থাপন করার জন্য এসেছি, সুতরাং আমি যদি তোমাকে তোমাদেরকে অঙ্গীকার করে তোমরা ব্রাহ্মণ কুলে এসেছো, আমি গোপ কুলের মধ্যে আছি, সুতরাং এই লঙ্ঘন হয়ে যাবে ব্রাহ্মণ, তাহলে জগতের লোক কেউ মানবে না, সুতরাং তোমরা তীব্রভাবে আমার ভজন করে চিন্তা করো, করতে করতে তোমাদের এই শরীরটা যখন চলে যাবে আবার তোমরা ভোগ গৃহে জন্মগ্রহণ করবে, তারপর তোমাদেরকে আমি অঙ্গীকার করবো। এইভাবে তোমাদের আমাদের পাঠানো দিয়ে দিয়ে দিচ্ছি বাংলা পরবর্তী রাধা রমণ, রাধা গোকুলানন্দ আর রাধা
होकर के हम लोग परिवार